सो एप्पल अपने सबसे बड़े इवेंट WWDC में एक बहुत ही खास प्रोडक्ट आप सबके लिए लेकर आई है, वो है मैकबुक एयर। अब इस मैकबुक एयर में क्या खास है, ये आता है एक 15 इंच के बड़े डिस्प्ले के साथ और ये काफी बड़ा डिस्प्ले है। एप्पल ने अभी तक जितने भी मैकबुक लॉन्च किए हैं तो ये पहला ऐसा मैकबुक है जो इतने बड़े डिस्प्ले के साथ आता है। और इसके साथ ही इस लैपटॉप में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो उसको बहुत एडवांस बनाते हैं। और खास बात ये है कि एप्पल का अभी तक का सबसे लाइट वेट मैकबुक है। तो बात करते हैं इस मैकबुक के स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो ये एप्पल की फ्लैगशिप M2 चिपसेट सपोर्ट के साथ आता है और M2 अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। इससे जो आपकी मैकबुक की परफॉर्मेंस है वो बहुत फास्ट और एडवांस हो जाती है। इसके साथ ही कंपनी ने इसे 4 कलर ऑप्शन में रोल आउट किया है। तो एप्पल ने यूज़र्स के कैमरा एक्सपीरियंस को और बेहतर करने के लिए इसमें एक नया अपडेट जारी किया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो कॉलिंग करते हैं तो आपको इस नए मैकबुक एयर में 1080 पिक्सल्स का सपोर्ट मिलेगा और ये बहुत ही एक हाई नंबर है। इससे जो आपका वीडियो एक्सपीरियंस है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप बिल्कुल एक HD क्वालिटी में और बहुत ही अच्छे कलर्स के साथ और बहुत अच्छे व्यूइंग एक्सपीरियंस के साथ आप वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। तो ये थे इसके स्पेशल फीचर। और सबसे खास जो है वो उसका डिस्प्ले है। तो एप्पल ने इस बार मैकबुक के डिस्प्ले पे काफ़ी काम किया है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, इसमें सबसे बड़ा अभी तक का डिस्प्ले मिलता है वो है 15.3 इंच का एक लिक्विड रेटिना डिस्प्ले। और कंपनी ने इसे बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। इसमें 500 निट्स तक की ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप आउटडोर में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, सनलाइट बहुत ज़्यादा है तो वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 500 निट्स लैपटॉप में मिलना एक बहुत अच्छा नंबर है। मैंने जैसे कि बताया कि M2 चिपसेट के साथ आएगा, साथ ही इसमें इंटेल कोर i7 प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलेगा और ये प्रोसेसर अभी तक का सबसे फास्ट प्रोसेसर है और विंडोज से ये इसकी परफॉर्मेंस को दुगना कर देता है। इसी के साथ आपको इस मैकबुक एयर में 2 TB तक की स्टोरेज और 24 GB तक की रैम मिलेगी। तो 2 TB स्टोरेज में आप बहुत सारा डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। आपको एडिशनल किसी स्टोरेज की या हार्ड ड्राइव की ज़रूरत नहीं है अब। तो ऐसे में ये उन यूज़र्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो बहुत सारे हैवी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, हैवी ग्राफिक्स में गेमिंग करते हैं, या बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको मैकबुक में मिलते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होती है। तो इसमें 2 TB तक की जो स्टोरेज है वो आपके बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अब आ जाते हैं इसके बैटरी फीचर्स पे। तो सिंगल चार्ज में आप इस मैकबुक एयर को 18 घंटे तक नॉनस्टॉप यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप है। और ये मैक सेफ चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा तो आप इसको वायरलेसली भी चार्ज कर सकते हैं। साउंड के लिए एप्पल ने इसमें 6 स्पीकर्स दिए हैं जो इनबिल्ट हैं, तो साउंड एक्सपीरियंस भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो ये सारे वो फीचर्स हैं जो आपको इस मैकबुक एयर में मिलने वाले हैं। हालांकि अभी इसे इंडिया में रोल आउट नहीं किया है, लेकिन आने वाले टाइम में जल्द ही एप्पल इसको इंडिया में लेकर आ सकती है। और एप्पल का ये प्रोडक्ट उन यूज़र्स के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है जो बहुत टाइम से एक बड़े डिस्प्ले वाला मैकबुक इस्तेमाल करने का वेट कर रहे थे। तो कैसा लगा है आपको ये एप्पल का नया मैकबुक एयर, साथ में इसके जो फीचर्स हैं? अगर इनके अलावा आपके पास भी कोई स्पेशल फीचर है जिसके बारे में आप जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी सब्सक्राइब करें।